हे वेलकम यूट्यूब, आई एम अनिकेत एंड यू आर वॉचिंग वेथ स्टडी। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको थर्ड ईयर के अंदर कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और कौन सी बुक आपकी एसेंशियल हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर वही बुक्स बताऊंगा जो मैंने खुद ने पढ़ी थी और जो आपके लिए एसेंशियल होंगी। तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट आता है वो है वेटनरी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो ये HS संधु की बुक है और इसमें सिर्फ वेटनरी फार्माकोलॉजी एंड थेरापेटिक्स है, टॉक्सिकोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो पर्सनली मुझे ये बुक काफ़ी अच्छी लगी और मैंने ये बुक रीड करी है, ठीक है। ये बुक काफ़ी मतलब मोटी है, आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, बट ये आप ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं पता है फार्माकोलॉजी के बारे में तो आप ये इस बुक को ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बुक आपको पहले मतलब उसकी एनाटॉमी भी बताएगी, थोड़ा सा फिजियोलॉजी बताएगी, नॉर्मल फिजियोलॉजी बताएगी, और फिर उसके बाद ये फार्माकोलॉजी स्टार्ट करेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका फर्स्ट चैप्टर हर किसी के अंदर क्या है, जनरल कंसिडरेशंस, ठीक है, जनरल कंसिडरेशन एंड न्यूरो ट्रांसमिशन, जनरल कंसिडरेशन एंड सेंट्रल न्यूरो ट्रांसमीटर। तो सबसे पहले जो जनरल चीज़ें हैं वो आपको बताएगी और मतलब आपका बेस क्लियर करेगी, ठीक है। उसके बाद ये फार्माकोलॉजी के तरफ बढ़ती है बुक। तो पर्सनली मुझे ये बुक काफ़ी अच्छी लगी और मैंने मतलब मैक्सिमम पोर्शन 95% ये बुक पढ़ी है और इससे एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। मतलब बहुत से लोग आपको कहेंगे कि बुक ये पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, एग्ज़ाम में इतना नहीं पूछा जाता है, बट सिर्फ आपको एग्ज़ाम के लिए ही नहीं पढ़ना है, आपको नॉलेज के लिए भी पढ़ना है। तो नॉलेज के हिसाब से ये बुक काफ़ी अच्छी है। हाँ, ये बात भी सच है कि एग्ज़ाम के अंदर आप इतना सब कुछ याद नहीं रख पाएंगे, ये भी एक सच्चाई है। तो उस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक शॉर्ट में एक बुक होती है, ये है सिनॉप्सिस, आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाणी प्रसाद है और ये आप पढ़ सकते हैं, ये इसके अंदर बहुत शॉर्ट में दे रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने एग्ज़ाम के लिए बेसिकली इससे चीज़ें पढ़ी थी, बाकी अगर मैं नॉलेज के लिए कहूँ तो मैंने HS संधु ही पढ़ी है मेनली, ठीक है। बट सिनॉप्सिस को आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, अगर आपको जैसे शॉर्ट में कोई चीज़ें चाहिए, भाई सिर्फ एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में पता है कि बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज़ करनी होती हैं चीज़ें, तो उसके लिए सिनॉप्सिस बेस्ट है। बट अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आपको HS संधु पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जब आप चीज़ें पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो आपको चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, ठीक है। तो तब आपको HS संधु ही काम आएगी, ये आपको चीज़ें बिल्कुल बेसिक से बताएगी। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में स्टार्टिंग से बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे एनाटॉमी अगर आप देखेंगे तो ये आपकी एनाटॉमी की बुक में भी होगा, बट यहाँ पर इसी से स्टार्ट करा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई और बुक खोलनी पड़ेगी तब आपको ये बुक समझ में आएगी, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। मतलब अगर आप रीड करना स्टार्ट करेंगे तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस बुक के अंदर, ठीक है। और ANS तो एटलीस्ट इस बुक से पढ़ ही लेना, क्योंकि ANS बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी HS संधु। इसके बाद फार्माकोलॉजी आप इससे पढ़ लेंगे, फिर आता है आपका टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आपका HS संधु की ही मतलब बुक आती है एक, और दूसरा मैंने जो टॉक्सिकोलॉजी पढ़ी वो मैंने पढ़ी है मैम के नोट्स से। तो हमारी मैम के नोट्स थे और इससे ही मैंने टॉक्सिकोलॉजी पढ़ी है, और मतलब काफ़ी ठीक नोट्स थे, एज सच कोई प्रॉब्लम हुई नहीं मुझे। और इसके अलावा आप टॉक्सिकोलॉजी सिनॉप्सिस से भी पढ़ सकते हैं, इसके अंदर टॉक्सिकोलॉजी काफ़ी अच्छी तरीके से दे रखी है, मैंने देखा था, बट मैंने प्रेफर करा मैम के नोट्स को। आप इसके अंदर सिनॉप्सिस के अंदर से भी आप टॉक्सिकोलॉजी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के बाद जो सब्जेक्ट आता है वो है आपका वेटनरी पैरासाइटोलॉजी। तो ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए काफ़ी नया होगा, मतलब स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है इस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नई होंगी, ठीक है। तो मैंने जो सबसे पहले बुक खरीदी थी वो थी बीवी भाटिया, बहुत से लोगों के कहने पर, मतलब सीनियर्स और टीचर इन सब के कहने पर मैंने ये बुक खरीदी थी, बट सब कहते हैं कि मतलब बहुत अच्छी बुक है, बट मुझे पर्सनली, ये मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू अपना बोल रहा हूँ, मुझे ये बुक नहीं अच्छी लगी। क्यों, उसके रीज़न है। सबसे पहला, इस बुक के अंदर मैंने पढ़ी है ज़रूर, क्योंकि स्टार्टिंग में और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है, बहुत टाइम तक मैंने ये बुक पढ़ी, बट मुझे ये बुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो ऑर्गेनाइज है ही नहीं। मतलब आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो, कहाँ से क्या चीज़ स्टार्ट हो जाती है, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। खासकर अगर आप ये बुक पहली बार पढ़ रहे हो, आप बिल्कुल नए हो, ठीक है, तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कहाँ से क्या हो रहा है इस बुक के अंदर। तो मैं तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा कि आप ये बुक खरीदो। और बहुत दूसरी सबसे बेकार बात क्या है इस बुक की, कि बहुत ज़्यादा डीप में है, मतलब कि इतना ज़्यादा UG वाले बच्चों को नहीं है ज़रूरत मेरे हिसाब से। बहुत ज़्यादा मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा डीप में दे रखी है, तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि पर्सनली ये बुक
अच्छी नहीं है, और बाकी हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है, तो आप एक बार ये बुक देख सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो आप पढ़ सकते हैं। तो मैं तो इस बुक को आपको नहीं बोलूँगा कि आप पढ़ो, ठीक है। इसके अलावा एक एससी मंडल आती है बुक, वो इसके कंपैरिजन में अच्छी बुक है, इसके कंपैरिजन में तो मुझे वो अच्छी लगी, ठीक है। और जो मुझे सबसे अच्छी बुक लगी, जो मैंने मतलब लास्ट में पढ़ी थी, बहुत बाद में मुझे पता चला इस बुक के बारे में, बट काफ़ी अच्छी बुक लगी मुझे, बेस्ट, इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ बेस्ट बुक लगी, वो है ये पी के सान्याल, ठीक है, असेंशियल ऑफ वेटनरी पैरासाइटोलॉजी। मैं आपको बोलूँगा कि इसके अलावा तो अगर आप कुछ भी ना करें ना, बस ये बुक पढ़ लें, आपके हर क्वेश्चन बन जाएंगे इस बुक से, ठीक है। तो मतलब ये बेस्ट बुक है, और ये मतलब मैंने इसी से ही पढ़ा है, और मैं कह सकता हूँ कि इससे बेस्ट बुक मुझे नहीं लगी कि कोई और बुक हो सकती है। इतनी ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर कि मतलब मुझे और किसी बुक के अंदर नहीं मिली। जैसे कि अगर मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये फैमिली है सिस्टोसोमेटिडी, ठीक है, तो फिर इसके बाद इसमें हमारा लाइफ साइकिल दिखा रखी है, ठीक है, लाइफ साइकिल के बाद पैथोजेनेसिस दिखा रखी है, और पैथोजेनेसिस के बाद इसमें हमारा ये सिम्टम्स दिखा रखे हैं, फिर उसके बाद एपिडेमोलॉजी है, डायग्नोसिस है, और डायग्नोसिस में भी देखिए डिफरेंट मतलब पॉइंट वाइज दे रखा है। अगर आप आंसर्स लिखते हैं ना, तो आपको ऐसे ही लिख के अगर आते हैं आप, तो आपको मार्क्स पूरे मिलने वाले हैं, ठीक है। बस ये बुक नहीं है एक्चुअल में, ये तो मतलब फोटोकॉपी है, प्रिंट आउट है, आप इसकी बुक ले सकते हैं। बुक की मैं यहाँ पर आपको इमेज दिखा दूंगा, और एससी मंडल की भी दिखा दूंगा। तो अगर मैं कंपैरिजन करूँ इसमें और एससी मंडल में, तो एससी मंडल में थोड़ा इससे भी ज़्यादा डिटेल में दे रखा है, बट अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊँ तो आपको इतना डिटेल में मतलब सफिशेंट है, क्योंकि पैरासाइटोलॉजी के अंदर चीज़ें याद कर पाना थोड़ा सा टफ होता है कंपैरेटिवली। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट बुक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि अगर आपको पैरासाइटो से ही पीजी करनी है तो बात अलग है, तब तो आपको डिटेल में पढ़ना होगा। अगर आपको सिर्फ क्लिनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि हाँ क्लिनिक्स में आपकी चीज़ें काम आ जाए, तो उसके हिसाब से ये बुक आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। इसके अंदर हर चीज़ इतने अच्छे से दे रखी है, मतलब अगर आप खुद ये बुक एक बार पढ़ेंगे ना, तब आपको चीज़ समझ में आएगी। मैं अगर कहूँ कि थर्ड ईयर के अंदर मुझे कोई बेस्ट, सबसे बेस्ट, सारे सब्जेक्ट में सबसे बेस्ट अगर कोई बुक लगी है, तो वो है पी के सान्याल। इससे बेस्ट बुक आपको नहीं मिल सकती, ठीक है। मैंने ये सारी बुक पढ़ी है, सारी यूनिट्स मैंने इसी से ही पढ़ी हैं, एंटेमोलॉजी और सारी चीज़ें। तो पैरासाइटोलॉजी के अंदर आप इतना चीज़ें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर एक खास बात है कि इसमें लास्ट में आपको दे रखे हैं पैरासाइट एट ग्लैंस, जिसके अंदर आपको होस्ट वाइज और उनका मतलब साइट क्या है वो बताकर आपको दे रखे हैं। तो मतलब बहुत शॉर्ट में आपको चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि ये कैटल का था, ये यहाँ पर आपको गोट का दे रखा है, ये डॉग का है, ठीक है। तो सारे जो गोट के पैरासाइट हैं आप देख सकते हैं डिफरेंट साइट्स पर, वो आपको यहाँ पर पता चल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ लिवर की, तो लिवर में आपको फेशियोला मिलेगा, डाइक्रोसीलियम मिलेगा, स्टिलेशिया मिलेगा और हाइड्रेटेड सिस्ट मिलेगा। ब्लड के अंदर आपको हेलमिंथ्स मिलेंगे, सिस्टोसोम्स मिलेंगे, प्रोटोजोआ, ट्रेपेनोसोमा। तो आपको सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट में रिवाइज हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। ऐसे आपको स्वाइन का भी है और इक्वाइन का भी है, ठीक है। स्वाइन इक्वाइन के बाद यहाँ पर आपको पोल्ट्री का भी मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर कॉमन एग की शेप कैसी होती है वो देखने के लिए मिलती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसके अंदर कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, पैरासाइट के। तो ये यहाँ पर सारे कॉमन नेम्स जो हैं वो आपको दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि लिवर फ्लूक कौन है, फेशियोला हिपैटिका, फेशियोला जायजेंटिका। ब्लड फ्लूक सिस्टोसोम्स को बोलते हैं। ओविडक्ट फ्लूक प्रोस्टोगोनेमस स्पीसीज को बोलते हैं। तो ये मतलब क्वेश्चन इतनी बार पूछे जाते हैं, मतलब मैं बता नहीं सकता कितने इंपॉर्टेंट हैं ये। MCQ में, फिलअप में, ट्रू फॉल्स में, हर जगह ये आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही कॉमन नेम आपको इधर दे रखे हैं, और ये तो आपके हेलमिंथ्स के हो गए। उसके बाद एंटेमोलॉजी के अंदर भी आपके कॉमन नेम होते हैं, जैसे कि बाइटिंग मिजेस किसे बोलते हैं, क्यूलिकॉइड्स को बोलते हैं, ठीक है। ब्लैक फ्लाई किसे बोलते हैं, साइमुलम के बोलते हैं स्पीसीज़ को, ठीक है। तो ये इस मामले में बहुत मतलब मैं कह सकता हूँ कि बेस्ट बुक है। सारे ये कॉमन नेम दे रखे हैं, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़ जो ये हेलमेंट्स करते हैं, और एंटेमोलॉजी, एकेरोलॉजी, सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। फिर लास्ट में इसमें हमारे मॉडल क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, और जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट बुक है, और आप इसे रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो वेटनरी पैरासाइटोलॉजी के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन एजुकेशन। इस सब्जेक्ट के अंदर एज सच कोई बुक नहीं है, बस एक बुक है जो बोलते हैं टीचर्स पढ़ने के लिए, पी मथैया लगन। बट मैं
प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि वो भी बुक इतनी अनऑर्गेनाइज्ड है, इतनी चीज़ें आगे पीछे दे रखी हैं कि समझ में ही नहीं आता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये मैं बिल्कुल मतलब कहने के लिए मैं भी बोल दूँ कि हाँ आप वो वाली बुक पढ़ लीजिए, बट मैं ये वो चीज़ें बता रहा हूँ आपको जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करी है, ठीक है। एज स्टूडेंट मैंने क्या एक्सपीरियंस करा है और बाकी लोगों ने हमने क्या एक्सपीरियंस करा है, ठीक है, वो चीज़ें मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि इसके अंदर भाई अगर आपको एनिमल साइंस से करनी है तो आपको डीपली पढ़ना ही पड़ेगा। मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मेरा इंटरेस्ट है वेटनरी साइंस के अंदर, तो एनिमल साइंस के सब्जेक्ट सिर्फ मैंने करिकुलम के हिसाब से पढ़े, जितना सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़े हैं। तो अगर आपको भी मतलब ऐसा ही है कि वेटनरी साइंस के अंदर इंटरेस्ट है तो आप डॉक्टर प्रोफेशनल के नोट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपको इतना तो कर देगा कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से मतलब कंप्लीट चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात है कि एटलीस्ट ये ऑर्गेनाइज नोट्स हैं, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज मिलेंगी, तो अच्छी नोट्स हैं और मैं तो कहूँगा बेस्ट नोट्स हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा अच्छा आपको किसी बुक के अंदर नहीं मिलेगा, मुझे तो नहीं मिला था, अगर कोई हो तो आप देख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है, ठीक है। आप ये डॉक्टर प्रोफेशनल के नोट्स पढ़ सकते हैं, ये 5 यूनिट तक हैं और बाकी यूनिट आप मतलब जितनी 9 की 9 यूनिट्स हैं उनके अंदर आप पढ़ सकते हैं डॉक्टर प्रोफेशनल के नोट्स। और कोई और बुक रेफ़र करने की मेरे हिसाब से तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं इससे ही आपके जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, ऐसा बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं आता है और ज़्यादा इसमें एफर्ट्स लगाने की मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, जब तक कि आप एनिमल साइंस से पीजी या ऐसा कुछ नहीं जाते हैं। अगर आप वेटनरी साइंस से में इंटरेस्टेड हैं तो आप इतना आपके लिए सफिशेंट है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आता है वो है आपका LPT लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सब्जेक्ट के अंदर आपको मतलब यही लाइव स्टॉक के जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है मिल्क आ जाएगा, फिर वूल आएगा, फिर ये मीट है और एबेटोयर है, ये 4 यूनिट हैं, ठीक है। तो देखिए मिल्क के लिए तो मतलब सर ने नोट्स बनवाए थे, वो आपके भी टीचर बनवाएंगे तो आप उससे पढ़ लेना, या फिर जो ये तनुवास के नोट्स हैं आप इनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मिल्क आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। दूसरी बात वूल, तो वूल के लिए भी हमारे टीचर ने नोट्स बनवाए थे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं या फिर तनुवास के नोट से आप पढ़ सकते हैं। फिर आता है मीट की बात, तो मीट के अंदर मैंने ये वाली बुक पढ़ी थी, मतलब इस बुक का आपको ये मैंने प्रिंट आउट निकलवाया था, तो बाय VP सिंह सर, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ये एक्चुअल में हमारे कॉलेज में HOD हैं सर, तो काफ़ी अच्छी बुक लगी मुझे ये, है ना। तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं और मैंने सिर्फ इसमें जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे वो पढ़े हैं, क्योंकि SH मेरा LPT और AHE ये दो ऐसे सब्जेक्ट थे जो मुझे लीस्ट जिसमें इंटरेस्ट था। हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है, पर्सनल इंटरेस्ट होता है, तो ये ऐसे सब्जेक्ट थे कि जिनमें मेरा पर्सनली बहुत कम इंटरेस्ट था, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता था, तो मैंने सिर्फ मतलब इसलिए मैंने ये बुक पढ़ी है, बट उसके बावजूद भी मैंने ये बुक पढ़ ली, ठीक है। तो ये अलग वो है, तो मीट के लिए मैंने ये बुक पढ़ी थी। और मीट के अलावा इसके अंदर आता है हमारा एबेटोयर के लिए मैंने ये वाली बुक पढ़ी है, दैट इज़ BD शर्मा, इसका भी मेरे पास स्पायरल ही है, ये तो बहुत कॉमन बुक है और यही चलती है BD शर्मा एबेटोयर के अंदर, तो ये आप पढ़ सकते हैं। और एबेटोयर का एक्चुअल में आपको ना जब आप VP पढ़ेंगे वेटनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमोलॉजी, तो वहाँ पर भी एबेटोयर का आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, है ना, तो वहाँ से देख सकते हैं। और बाकी जो जो टॉपिक हैं वो आप इससे पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा इससे जब आप चीज़ें पढ़ें तो सिलेबस देख के पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि बस हाँ स्टार्टिंग करिए और शुरू से एंड तक पढ़ते चले गए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं, उसमें तो कोई इशू है ही नहीं, बट अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है कि हाँ भाई मतलब सिर्फ एनिमल साइंस इसीलिए पढ़ना है, तो आप सिलेबस उठाइए। मैंने ऐसे ही किया था, सिलेबस उठाया, जो जो टॉपिक सिलेबस के अंदर थे वो मैं पढ़ता चला गया, ठीक है। जो सिलेबस के अंदर नहीं था एज सच वो मैंने मतलब नहीं पढ़ा इसके अंदर, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था मेरे पास और इतना इंटरेस्ट भी नहीं है इस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो बस मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये सब्जेक्ट पढ़े हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस चीज़ में कोई वो नहीं है, नहीं है तो किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे मोस्ट इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट लगता है वो है फार्माकोलॉजी और उसके बाद पैरासाइटोलॉजी, उसके बाद VP के अंदर भी जो ये मिल्क वाला और एबेटोयर वाला पार्ट है वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, बस जूनोटिक डिसीज़ जो है जूनोसिस वाला पार्ट वो मुझे अच्छा लगता था, ठीक है। तो मतलब थर्ड ईयर के अंदर ऐसे ही यही सब्जेक्ट थे। तो इसके बाद हमारा आता है VPE, तो VPE के अंदर मैंने मैम के नोट्स पढ़े हैं और मैम के हमारी मैम ने नोट्स काफ़ी अच्छे दिए थे, तो मैंने वो नोट्स पढ़े हैं VPE के अंदर। तो एक्चुअल में ये नोट्स काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं, जैसे कि अगर मैं दिखाऊं एनवायरमेंट यूनिट के हमारे नोट्स हैं ये, ठीक है, और एपिडेमोलॉजी और मीट और मिल्क,
तो ये सारे मैम के नोट से मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं। तो यहाँ पर आपके जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। हर सब्जेक्ट के अपना एक तरीका है पढ़ने का, वो शायद मैं किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारे सोर्सेज बता दिए हैं, तो आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको एनिमल साइंस में जाना है, मतलब पीजी करनी है, या फिर आपको वेटनरी साइंस के अंदर करनी है। वो डिसाइड करने के बाद आप अकॉर्डिंगली मतलब सब्जेक्ट्स को डेप्थ में पढ़िएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट को आप इतना डेप्थ में नहीं पढ़ सकते। अगर मान लीजिए आपको एनिमल साइंस में ही जाना है, तो फिर आप फार्मा की इतनी मोटी बुक पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है आपके लिए। आप सिनॉप्सिस पढ़िए, ठीक है, वो आपके लिए सफिशिएंट है। आप एनिमल हस्बेंड्री एंड एक्सटेंशन एजुकेशन जो है, और ये LPT, इन्हें आप डिटेल में पढ़िए, ठीक है। अगर आपको वेटनरी साइंस में जाना है तो आप पैरा पढ़िए और ये फार्मेकोलॉजी पढ़िए, इन्हें आप थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हैं। तो मतलब आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कीजिए कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक देन प्लीज़ प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू वेट स्टडी।